तो देखिए, सबसे पहले नेपाल जाने से पहले आपको इंडियन करेंसी को नेपाल की करेंसी में बदलना होगा। तो यहाँ पे जो 100 रुपये में आपको कितना मिलता है, 100 रुपये में कितने मिलते 160। तो 160 चलता है, 100 रुपये को आपको 160 मिलेगा यहाँ पे। क्या बोला तूने? तो हम लोग 5000 का करवा रहे हैं, तो 5000 का हमको मिलेगा 8000 के समथिंग पैसा मिलेगा। तो वैसे फायदा है, लेकिन आगे महंगाई मिलेगी। अच्छा रहता हूँ 1000, 2000, 3000, 4000। यहाँ से देखो, ये 500 का नोट है, उधर पूछना पड़ेगा कितना कौन सा नोट है, हमको ये भी नहीं मालूम। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब 500 फटावा नोट नहीं लेना है, करेंसी को सही से देख लेना, इधर भी चेंज कितना हो रहा है, कितने का नोट कितने का है, वो सब देख लेना। ये 500 का नोट है, ठीक है, इसे आप गौर से देखिए, इधर से आप देख सकते हैं 500 का नोट है। कैसे पता लगेगा, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम तो इसी से पहचाने कि 500, ठीक है, 500 का नोट है। उसके बाद में देखते हैं कितना हुआ, गिनती आती है कि नहीं तेरे को, हम अपनी गिनती कर लेंगे। इतने पैसे पहली बार देखे होंगे तुम जिंदगी में? नेपाली पहली बार देखे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, पहली बार देखे जिंदगी में, पहली बार देखे। ये फटा तो नहीं ना, चलेगा इतना फटा रहेगा, 10, 20, 35, 35, 50। ये फटा निकाल 50। तो भैया, सबसे पहले करेंसी चेंज करवा लिया, सब नोट को देख लिया। यहाँ पे हमको 20 का मिला है, 10 का मिला है और 5 रुपए का मिला है, 500 का नोट मिला है, लेकिन थोड़ा सा पहचाने में दिक्कत आ रही है, पर आधे घंटे में सब पैसों का पता लग जाएगा कि कितने का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम नेपाल के बॉर्डर पे पहुँच गए हैं, उस साइड है अपना इंडिया, उधर से देख सकते हो, और इधर जो है अपना नेपाल का ट्रेन लगेगा, उस साइड अपना लगता है इंडिया का, ठीक है, इंडिया जाने वाली जो भी है ट्रेन लगती है, और इस साइड लगती है अपना नेपाल जाने का। दोनों बॉर्डर पे है अभी, और इस दोनों साइड एक देख सकते हो बाउंड्री जो है इससे दी गई है, और आगे दिखाएंगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें। यहाँ से टिकट लेना होगा नेपाल के लिए, तो यहाँ जयनगर से जनकनगर के लिए। एक, दो, तीन, देखिए पैसों कैसे नेपाली करेंसी को गिना जा रहे हैं, सारे के सारे खत्म होने हैं। ये 8 नेपाली करेंसी पहली बार किसी के फर्स्ट में जा रही है, कितने हम लोग उतर चुके हैं और एवरीथिंग ओके, और हम नेपाल के लिए पहुंच गए हैं, इनको दिखा लीजिए। तो चलिए आप शुरुआत करेंगे ट्रिप का, और फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, लगभग 10 बज गया है और ट्रेन भी हमारी आ चुकी है, नेपाल पे एंटर हो चुके हैं, और यहाँ का काफ़ी भीड़ है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर के पास। तो
फाइनली हम जानकी मंदिर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये और सामने एक वो। जानकी मंदिर है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे सीता माता का विवाह हुआ था। तो चलिए अब वो दिखाते हैं सीता माता का जहाँ विवाह हुआ था वहाँ पे विवाह मंडप। और वो जो लाल वाला बटन है उसपे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।